नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की एक गुणवत्ता 45 प्रति किलोग्राम पर एक अन्य गुणवत्ता के साथ 3 और 2 के अनुपात में एक निश्चित दर पर मिश्रित की जाती है, मिलाई जाती है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम है तो दूसरी गुणवत्ता वाले चावल की प्रति किलोग्राम दर क्या रहेगी? देखिए, जो पहले चावल है वो कितने हैं, 45 रुपए पर केजी। दूसरे मैंने मान ली एक्स है, ठीक है, दोनों को मिक्स किया गया तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिला मिश्रण, वो कितने, उसका रेट कितना था, 50। और नीचे क्या आता है हमारा रेशियो, तो रेशियो किस रेशियो में मिलाए गए थे, 3 और 2 में, ठीक है ना। ये जो 2 आया हुआ है ये एक्चुअल में क्या है, 45 और 5 का डिफरेंस है। 45, 50 और 45 का डिफरेंस कितना है, 5। बट 5 ना होकर के यहाँ कितना दिया हुआ है, 2, यानी कितना, 2 मतलब 5 से 2 आया है, मतलब 2 का कितने गुना है, 2.5 गुना। तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2.5 गुना होगा, ठीक है, यानी 7.5 होगा यहाँ पे, राइट। जो रिश्तो 3 और 2 था वो एक्चुअल में कितना होगा, 7.5 और 5, क्योंकि अगर मैं 7.5 और 5 को 2.5 से काटूंगा तो वही 3 और 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए, आप 50 और 45 का डिफरेंस कितना है, 5, तो एक्स एक्स और 50 का डिफरेंस कितना होगा, वो होगा 7.5, 7.5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 57.5, 57.5, यानी ऑप्शन दूसरा है वो सही आंसर है।